वो भी चाणक्य को सार्वजनिक मृत्युदंड देगा। इस बीच आंभिक सुखदेव और कारवी के बीच गुप्त समझौता हो जाता है और नियति चंद्रगुप्त को उस खदान के सामने लाकर खड़ा कर देती है जहां उसकी मां है। चंद्रगुप्त, हमें यहां से शीघ्र ही चलना चाहिए, यहां पर बहुत ही खतरा है, चलो। नहीं दिग्विजय, अब यदि मैं यहां तक आ गया और ये जानता हूं कि उन दीवारों के उस पार मेरी मां, तो मैं कैसे ना मिलूं अपनी मां से? बोलो दिग्विजय, और अधिक से अधिक क्या होगा? मृत्यु ही तो आएगी ना, फिर आने तो मृत्यु का। अधिकारी जी, आप कदाचित ये भूल रहे हैं कि इस कक्ष में मगध नरेश, आमात्य और महाराज के निजी प्रमुख सलाहकार के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है। धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। लोखंडी वाले राजकोष का मानचित्र है कहाँ? ये तो महाराज के राजकोषों के मानचित्र हैं। यही है, यही तो है। आचार्य चाणक्य को तुरंत सूचित करना पड़ेगा। अब तो सचमुच बहुत विलंब हो रहा है आचार्य। और आचार्य, रात्रि को कारवीनाथ के सैनिक अपनी गश्त बढ़ा देते हैं। कहां होगा चंद्रगुप्त आचार्य? कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं भी खोज रहा हूं पुरुषदत्त। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लग जाता है। अर्थात कितना निकट है वो अपनी मां से? वहीं गया है वो। कब तक दूर रहेगा अपनी मां से? किंतु आचार्य, यदि चंद्रगुप्त पहले अपनी मां को उन खादानों से मुक्त करा ले, उसके बाद इन गांव वालों के साथ जो करना है करे, क्या यह ठीक नहीं रहेगा आचार्य? सर्वप्रथम कारवीनाथ के रहते उसकी मां को छुड़ाने में हम सक्षम नहीं हैं, और दूसरे नियति ने स्वयं अवसर दिया है चंद्रगुप्त को। जब वो गुरुकुल छोड़कर भागा था
तो भावनाओं में बहकर भागा था, किंतु जब वो मुझे गांव में मिला तो लगा बुद्धि ने उसकी भावनाओं के बहाव पर अंकुश लगा दिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि वो जीवन से सीखे। नियति उसकी अग्नि परीक्षा के लिए ही उसे लोखंडी लाई है। अग्नि परीक्षा? गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्व निर्धारित, हर प्रश्न भी, हर प्रश्न का सही उत्तर भी। पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु कि उसे क्या पढ़ाना है, और विद्यार्थी के पास हर समय उपलब्ध होते हैं ग्रंथ, किंतु जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, न प्रश्न न उत्तर, न सहायता के लिए गुरु न ग्रंथ। जीवन में हर प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर, उचित उत्तर चुनना है बिना किसी सहायता के। मैंने सोचा कि चंद्रगुप्त को गुरुकुल में शिक्षा दो, उसके ज्ञान की नींव को पक्का करो, किंतु नियति ने कहा नहीं, इसे जीवन से सीखना है। नियति ने उसे निजी भावनाओं से चलित होने के लिए नहीं बनाया, उसे बनना है अखंड भारत का नायक, दबे कुचले हुओं का स्वर। जीवन की यही परीक्षा अग्नि परीक्षा है, यहां लोखंडी में हो जाएगा कि मात्र अपनी मां की पीड़ा के लिए लड़ना है उसे, या सभी गांव वालों की पीड़ा का हल ढूंढना है उसे। तभी उसे मेरे अखंड भारत के सपने का मर्म समझ में आएगा, तभी वो भारत का सम्राट बनने के लायक बन पाएगा। क्षमा करें आचार्य, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। जिस कार्य का दायित्व तुमने उठाया है, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? हाँ आचार्य, मैं तैयार हूं। माई कहाँ है आचार्य? वो सुरक्षित स्थान पर है, चिंता मत करो। पुरुषदत्त, राजकोष के मानचित्रों में से एक मानचित्र को वो ध्यान से देख रही थी, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तिरकिट धा, वो दुष्ट ब्राह्मण हमारा राजकोष लूटना चाहता है शिखा खोल के। धित खट धिन्ना, आमात्य, तुम्हारे अनुसार ये चाणक्य चाहता क्या है? हमारा राजकोष लूटकर? नहीं नहीं, ऐसा हम उसे करने नहीं देंगे, किंतु यूं ही खेल खेल में कुछ पलों के लिए ये मान लिया जाए कि वो ऐसा कर लेता है, तो वो इतने धन का करेगा क्या? संभव है वो इससे आपके विरुद्ध सेना खड़ी करने का प्रयास करे। महाराज, तुम जानते हो अमात्य, तुम बुद्धिमान तो हो, परंतु जो हम सूंघ सकते हैं वो तुम नहीं सूंघ सकते। निश्चित रूप से उसका लक्ष्य केवल हमारे विरुद्ध सेना खड़ी करने से कहीं बड़ा है,
हमें पूरा विश्वास है आमात्य कि वो इस धन से प्रसिद्धि चाहता है। हाँ, प्रसिद्धि या फिर किसी और को प्रसिद्धि दिलवाने के फेर में है, है? कौन है? ददीप जी, ददीप जी, इतने वर्षों में मुझे किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा, कौन हो तुम? मैं चाणिपुत्र चाणक्य, क्या चाहते हो? मैं वही कर रहा हूं जो कभी अमात्य शक्टार ने आरंभ किया था। लोखंडी में धनानंद के राजकोष को ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। ये खेल तो और भी उत्तेजक होता जा रहा है। धिनक धिनक धिन धा धा धा। परंतु अब प्रश्न ये उठता है, वो हमारे कौन से राजकोष को लूटने वाला है? क्षमा करें महाराज, मैं मात्र इतने पाया कुछ के हम चित्रों में पुकाई थी, किसा इतना निकट नहीं जा पाया मैं। त्रिगड़दा 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 गुप्तचर और निकट चले जाते तो तुम गुप्त कैसे रह पाते? और निकट चले जाते तो तुम गुप्त कैसे रह पाते? महाराज, चित्ररूपा निश्चित रूप से चाणक्य को संदेश भेजने का प्रयास करेगी, बस हमें उसका संदेश महल से निकलते ही बीच में पकड़ना। जो करना है शीघ्र करो, क्योंकि कौमुदी महोत्सव की मंगल मेला में यदि हमने उस दुष्ट बामन के रक्त से स्नान नहीं किया तो हमें तुम्हारे रक्त से स्नान करना पड़ेगा। त्रिगड़दा, ये दधीच आपके लिए क्या कर सकता है? मुझे याद है जब मेरे पिता चणी का स्वर्गवास हुआ था तब अमाते शक्तार ने आपके संरक्षण में मुझे रखा था। हाँ, सब याद है मुझे, मैं कुछ नहीं भूला। वर्षों बीत गए, तुम बालक थे किंतु तुम्हारी आंखें आज भी वैसी ही हैं, सरल
निश्चल और सीधे हृदय तक उतरने वाली दृष्टि। तुम्हें पता है ना, हमारी आंखें व्यक्तित्व का दर्पण होती है, वो मन में छिपे गूढ़ से गूढ़ भय को दिखा देती है। और अंतर मन में छिपे चाह को भी। तो क्या आप हमें कोषागार का पता बता सकते हैं, जहां तक मुझे याद है अमात्य शक्तार ने राजकोष की खुदाई के लिए बौनों की जो टुकड़ी बनाई थी आप उसके प्रमुख सदस्य थे। कदाचित धनानंद के सभी राजकोषों को गाड़ने में आप भी थे। ये सही है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, किंतु हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें खुदाई के स्थान पर ले जाया जाता था ताकि कोषागार के स्थान का पता न चल सके। और इस कार्य के लिए हम बौनों को चुनने का मूल विचार धनानंद का था। जब हम छोटी छोटी सुरंगें बनाते थे तो उसके पीछे कारण मात्र ये था कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन सुरंगों से होता हुआ कोषागार तक न जा सके। उन दिनों धनानंद के राजकीय सैनिक हमें रात में पकड़ते और हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर हमें उस खुदाई वाले गड्ढे में ले जाते और फिर हमारी पट्टियां खोलते। तो धनानंद के राजकोष को ढूंढने के लिए कोई संकेत ही बता दीजिए, कोई सूत्र, कोई छोर। तुम्हें जो दो सबसे प्रिय हैं उनमें से किसी एक को चुनने का प्रश्न आएगा तो दूसरे को सदा सदा के लिए खो दोगे, जिसके लिए तुम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। इस प्रोग्राम अब बताओ कौन से प्रपत्रों वाले कक्ष में जांच करने गई थी चित्र रूपे? रुको, तुम कुछ भी मत बताना, हम स्वयं सोचकर बताते हैं। कहां जा सकती हो तुम, कहां जा सकती हो तुम? हां, कोषागार कक्ष में। त्रिगड़दा 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 त्रिगड़दा। योजना के अनुसार चित्र रूपा को संदेश देने के लिए बाहर जाना था। हो सकता है इसने विचार बदल लिया हो। हाँ, हो तो सकता है, पर अगर आज रात को इसने संदेश नहीं दिया तो फिर इसे अगली रात तक रुकना पड़ेगा। और चित्र रूपा जैसे गुप्तचर ऐसा संकट मोल नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि संदेश में विलंब से योजना में विलंब। जानती हो बिना तुम्हारे बताए कैसे पता लगा लिया हमने? चौंक गई, चौंक गई ना? अरे इसमें इतना विस्मित होने की क्या बात है, सभी स्त्रियों की यही प्रवृत्ति है। सबसे पहले वो ये देखती हैं कि पुरुष के पास धन कितना है। नहीं? तो बताओ कौन से राजकोष के प्रपत्र देखे तुमने? वो
काशी वाले कोषागार का अध्ययन कर रही थी मैं। काशी? छोड़िए ना महाराज, आपके सामने जो रूप का कोष है उसे देखिए ना। हमें आज भी वो काली रात याद है जब हम लोखंडी में अंतिम और पांचवी खदान खोदकर राजकोष गाड़ चुके थे और धनानंद के सैनिक हमें धरती में गाड़ने के लिए हमें घसीटने लगे। वहां दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया तो सिर्फ एक तीन हाथियों वाला स्तंभ। परंतु यदि उन्होंने आपको धरती में जीवित गाड़ दिया तो आप बचे कैसे? सैनिकों को ये नहीं पता था जब हम खुदाई करते थे तो सांस लेने के लिए धरती के नीचे समुचित हवा नहीं होती थी और हमने कईयों पहर सांस रोकने की ये कला तभी सीख ली थी। और उस पर से मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह गाड़ा जिसे मैं खोद पाया। फिर मैंने मगध छोड़ दिया और मैं सुदूर उत्तर पूर्व की ओर भाग गया जहां वर्षों में आत्मदर्शन और रहस्यवाद की प्राचीन कलाओं के बीच भटकता रहा। लेकिन नियति मुझे फिर से लोखंडी ले आई। क्या आपने कभी तीन हाथियों वाले स्तंभ को ढूंढने का प्रयास किया? नहीं, जहां स्वयं मुझे गाड़ा गया हो उस स्थान को फिर से खोजने का साहस कदाचित मुझ में नहीं था। चाणक्य, मुझे नहीं पता नियति मुझे क्यों वहां वापस लाई जहां ये सब हुआ था। नियति आपको यहां क्यों लाई है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको शीघ्र दूंगा, किंतु इस समय मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। धनानंद के राजकोष को ढूंढने के लिए आपको हमारा मार्गदर्शन करना होगा। क्या रेखाएं हैं इसके ललाट की? रदी जी, मैंने अभी आपसे एक महत्वपूर्ण बात कही है। धनानंद से मुझे भी कई पुराने ऋण चुकाने हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैंने इस बच्चे की आंखें और ललाट की रेखाएं पढ़ी हैं। असाधारण भविष्य है इसका और शीघ्र ही तुम्हें जो दो सबसे प्रिय हैं उनमें से किसी एक को चुनने का प्रश्न आएगा। तो दूसरे को सदा सदा के लिए खो दोगे। जिसके लिए तुम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। इस संदेश को तो अपने निर्धारित स्थान तक जाना ही जाना है। बस पहेली बदल दो। अर्थात आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए।
नियति तो नियति होती, ना ही स्पष्ट और ना ही अस्पष्ट। हमें यहां से अब चलना चाहिए। रुको, तुम लोगों ने जब से धपोली गांव के निवासियों की सहायता की, कार्वी के सैनिक तुम्हें चारों तरफ खोज रहे हैं। जरा संभल कर चलो। चित्ररूपा का यह संदेश पकड़ा है हमने, जो चाणक्य को भेजा जा रहा था। देखिए महाराज, त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। आचार्य सावधान रहिए, आपके आसपास कोई धनानंद का गुप्तचर है। त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। धनानंद? केवल धनानंद? महाराज धनानंद लिख देती तो हम बिना तड़पाए मृत्यु दे देते, किंतु तुमने हमारे लिए केवल धनानंद लिखकर तड़प तड़प कर मरने वाली मृत्यु स्वयं ही चुन ली है। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे मगध नरेश का प्रमुख सलाहकार बना दिया गया है। मैं लोखंडी के राजकोष का विस्तृत मानचित्र तो नहीं भेज पा रही हूं, किंतु आप विद्वान हैं, मेरी पहेली से आपको राजकोष का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। लोखंडी में ठौर विकट देख ना पाए कोई, हर पल घेरे में रहे खम से चिन्हित होए। ये तो सयानी लोमड़ी निकली अमात्य, किंतु उसे क्या पता कि धनानंद विषधर नाग सा कुंडली मार कर ऐसे बैठा है अपने राजकोष पर कि लाख सर पटक ले कोई, एक पण नहीं मिलेगा किसी को। धिनक धिनक धिनता। महाराज ये संदेश हम जला देते हैं। ना 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 ना। ऐसी भूल, अमात्य राक्षस होकर ऐसी भूल कदापि नहीं। इस संदेश को तो अपने निर्धारित स्थान तक जाना ही जाना है। बस पहेली बदल दो। ताथै ततथै। राह दिखाने वाली नहीं, राह भटकाने वाली पहेली लिखो। छोर पर संकट दिख रहा है मुझे, हमें तुरंत बिखर जाना चाहिए। कार्वी के सैनिक इस और भी आ सकते हैं। संकट में समूह पर सबसे पहले संदेह किया जाता है। आचार्य, दादी जी ने मेरे ललाट की रेखाओं से क्या पढ़ा होगा? आचार्य, मेरे भविष्य की ऐसी कौन सी रूपरेखा देखी? दादी जी की भविष्यवाणी से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है चतुर्गुप्त। व्यक्ति नियति अपने कर्मों से करता है। किंतु मेरे लिए क्या विकल्प होगा आचार्य? क्या दादी जी ने भविष्य को लेकर मेरे लिए एक से अधिक विकल्प पड़े होंगे? और यदि मेरे सामने दो विकल्प आ गए तो मैं चुनूंगा किसे?
तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा है। तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। किंतु आचार्य वो मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम जो करोगे तुम्हारा निर्णय है, ठीक? इस समय संकट निकट आ रहा है, हमें तुरंत निकलना होगा बिखर के। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबको अपना संपूर्ण ध्यान राजकोष की खोज पर देना है। खोजो लोखंडी की एक एक विधि, हर महल हर चौराहे को। तीन हाथियों वाले स्तंभ को ढूंढना है, वही संकेत है राजकोष का। स्मरण है, यही कहा था ददीज जी ने भी। अब समय मत गंवाओ, भोर होने को है। संकट हर पल हमारी ओर सूंघता हुआ बढ़ रहा है, तुरंत अपने लक्ष्य की ओर निकलना है। जो आज्ञा चाहे। विजयी भाव। जैसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी, और समस्या यह है कि भीतर जाए बिना तुम्हारी माँ को ढूंढने के कैसे? रात में भीतर जाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत कारवीनाथ को सूचना भेज देनी चाहिए, ताकि चाणक्य के पास संदेश पहुंचने से पहले वो सचेत हो जाए। कारवी पर हमें सदा ही संदेह रहा है अमात्य, तुम जानते ही हो ना। हमने उसे मात्र इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि वो हमारे पिताश्री की अवैध संतान है। यदि उसे ये सूचना मिल गई तो संभव है कि वो लालच में आकर चाणक्य से हाथ मिला ले। इसलिए अमात्य, हम ये चाहते हैं कि तुम स्वयं वहां पर जाओ और कोषागार का भार अपने कंधों पर ले लो और उस दुष्ट चाणक्य को बंदी बना लो। तीन हाथियों वाला स्तंभ? ऐसा स्तंभ तो कभी नहीं देखा हमने। सुनिए, क्या आपको पता है कि यहाँ लोखंडी में तीन हाथियों वाला स्तंभ कहाँ है? चल चल भाग यहाँ से, सुना नहीं क्या? तम ढूंढते ढूंढते नगर के बाहर आ गए। वो देखो खदान है। जाने दीजिए आचार्य, मुझे जाने दीजिए। जिसकी माँ कष्ट में हो, उसका बेटा एक पल भी कैसे चैन से जी सकता है?
हम जानते हैं चंद्रगुप्त, तुम खजानों में क्यों जाना चाहते? स्तंभ के लिए नहीं ना, अपनी मां के लिए। जैसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। और समस्या यह है कि भीतर जाए बिना तुम्हारी मां को ढूंढने के कैसे? रात में भीतर जाने का प्रयास करते। गुरुकुल का अनुशासन तोड़ा है, एक बार फिर मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। नहीं मित्रों, मैं एक बार आचार्य की अवज्ञा कर चुका, परंतु अब मैं आचार्य की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। सुना था कि इन खदानों में से किसी को भी बाहर निकलने की आज्ञा नहीं मिलती, फिर ये बंदी बाहर कैसे निकल रहे? चलो इनका पीछा करते हैं। बता तो चले कि ये सब हो क्या रहा है। चलो अरे भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुम बूढ़े और बेकार हो चुके हो, खदान में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे जैसे इन दूसरों को इस चोटी से फेंकने का आदेश है हमें। जो हमें कहा गया वही हम करेंगे। धन्यवाद। अब आप सब स्वतंत्र हैं। आचार्य, चित्रूपा ने राजकोष का पता लगा लिया। आचार्य, ऐसी स्थिति में तो हमें तत्काल राजकोष लूटने की योजना बना लेनी चाहिए। हमें अपना स्थान तुरंत बदलना होगा। यह संदेश मिथ्या है। किंतु आचार्य, हमें यह संदेश विश्वास सूत्रों से मिला है। किंतु उस विश्वास सूत्र को यह कैसे पता चले कि जो संदेश उसे हमें देने के लिए मिला है उसे बीच में पकड़ा नहीं गया होगा? मुझे स्पष्ट रूप से संदेहास्पद त्रुटियां दिख रही हैं। पहेली उचित और सत्य नहीं है। चित्ररूपा ऐसी त्रुटि नहीं कर सकती। पहेली नगर के मुख्य चौराहे की ओर संकेत कर रही है, जहां कोई स्तंभ नहीं। पर आचार्य,
हो सकता है कि वो स्तंभ यहाँ के अधिकारियों ने हटा दियो। हो सकता है, किंतु सबसे असाधारण बात यह है कि धनानंद ने चित्ररूपा को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया है। धनानंद रसिक है, मूर्ख नहीं। और इन सब के बाद संदेश कहता है कि मेरे आसपास गुप्तचर है। निश्चित रूप से ये सारी सूचनाएं चित्रूपा को अमात्य राक्षस द्वारा पहुंचाई गई। चित्रूपा का रक्षा कवच टूट चुका है, या तो वे हमें देख रहे हैं या फिर निश्चित रूप से हम तक पहुंचने वाले हैं। अब हमें बिना समय गवाए ये स्थान बदलना होगा। भद्रभट, तुम तुरंत जाकर तारिणी के रहने का स्थान बदलो। जी आचार्य। पुरुषदत्त। जी आचार्य। चंद्रगुप्त को ढूंढो और यहां आने को कहो। जी आचार्य। चंद्रगुप्त का जीवन भी सचिन हिस्सा।